आज हम पहुंचे हैं अनमोल के घर। लेटेस्ट पंजाब से ये ड्राई एंड ब्यूटी में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनाम जीतकर आई है, तो अनमोल की क्या कुछ खुराक है, कितना क्या कुछ इसकी टाइमिंग रहती है, किस तरह से आप देख रहे हैं, किसकी करते हैं? सर अब तो इसका डाइट घटाई हुई है, 8 से 10 केजी दाने दे रहे हैं। जब ये दूध के पीक के ऊपर थी ना 20+, तो उस टाइम इस पे 11 लाख रुपए लगे थे और सेकंड में भी इसको 11.5 लाख रुपए लगे। और HLDB में दूध रिकॉर्ड कराया तो उसके बाद वहाँ पे 17.5 लाख रुपए लगे। नमस्कार, आज हम पहुँचे हैं अनमोल के घर। जी हाँ, नाम ही अनमोल नहीं, ये काम भी अनमोल कर रही है। और आपको बता दें कि जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस समय, ये नरड गांव की अनमोल है। लेटेस्ट पंजाब से ये ड्राई एंड ब्यूटी में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनाम जीतकर आई है, तो अनमोल मेरे साथ मौजूद हैं। और अनमोल के जो मालिक हैं संजीव शर्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे अनमोल की अचीवमेंट को लेकर और किस तरह है, जैसे हर कंपटीशन में अनमोल भाग लेती है और मिल्किंग में भी ये फर्स्ट आई थी, अब ड्राई एंड ब्यूटी में भी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। तो इसकी क्वालिटी को लेकर भी बातचीत करेंगे, इसकी खासियत को लेकर भी बातचीत करेंगे और अनमोल का जैसा नाम वैसे काम, किस तरह ये मुकाम दर मुकाम हासिल कर रही है, इसको लेकर भी संजीव से बातचीत कर लेते हैं। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो कैथल खबर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको जी। धन्यवाद सर जी। तो अनमोल की अब की बार जो पंजाब में ये गई थी, इसकी अचीवमेंट बताइए सबसे पहले। जी सर, ये अभी पंजाब में अभी 3 तारीख को वहाँ से वापस आई है और ये ड्राई ब्यूटी कॉम्पिटिशन में ऑल इंडिया चैम्पियन बनी है। ये अभी पंजाब के धनोला मंडी में मेला लगा हुआ था BFA, बुफेलो फार्मर एसोसिएशन का जी। तो वहाँ पे चैंपियन बनी है ड्राई ब्यूटी कंपटीशन में। तो इसकी अगर कंपटीशन में कितनी के इसके टक्कर में जैसे भैंस थी मेले में, पशु काफ़ी आए हुए थे सर, लेकिन जो भी पशु आए थे मतलब कि सारे ही अपने फर्स्ट लेवल के आए थे कंपटीशन, मतलब कि कोई भी पशु आता है सेकंड के लिए कोई नहीं आता मेले में, हल्का पशु लेके कोई नहीं आता, अच्छे ब्रीडरों के पशु हैवी पशु थे जी। तो उनको बीट करके वहाँ पे चैंपियन बनी है और इससे पहले भी ये 3 बार ऑल इंडिया चैंपियन रह चुकी है, वहाँ पे 4थी बार चैंपियन बनी है। अच्छा, 4थी बार। हाँ जी, 2022 में DFA कुरुक्षेत्र मिल्क ब्यूटी चैंपियन बनी थी, उसके बाद 2023 में NDRA करनाल में मिल्क ब्यूटी चैंपियन बनी, उसके बाद 2024 में पिछले महीने मटलोडा राष्ट्रीय पशु प्रदर्शनी पानीपत में ड्राई ब्यूटी चैंपियन बनी और अभी ये 4थी बार इधर अपना BFA में पंजाब में ड्राई ब्यूटी चैंपियन बनी है। और इसका सेकंड ब्यांत का भी सेकंड ब्यांत तय में है, HLDB में दूध रिकॉर्ड है 26 किलो 513 ग्राम। अच्छा जी। हाँ जी। तो क्या कुछ आगे तीसरी बार बच्चा देगी, क्या कुछ इनाम जीत चुकी है अब तक की बात करेंगे? इनाम तो काफ़ी जीत चुके हैं सर अब तक। हाँ जी। तो लेकिन इनाम वैल्यू रखती है, वही बात है, बंदा अपना नाम के लिए काम करता है, इनाम वैल्यू नहीं रखता यहाँ पे सर जी। हाँ, तो जैसा नाम वैसे काम कर रही है अनमोल। बिल्कुल सर। तो नाम आप ही ने रखा था इसका? हाँ जी, अनमोल है। हाँ जी, हाँ जी। क्या सोच के रखा था इसको? जब ये छोटी बच्ची थी तभी से ही काफ़ी रेट लगने शुरू हो गए थे। अच्छा। क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर और ग्रोथ वगैरह ऐसी थी सर, तो पहले ब्यांत में जब इसने डिलीवरी करी फर्स्ट लैक्टेशन में भी 11 लाख लगे। पहले ब्यांत में इसने 20 केजी 200 ग्राम दूध निकाला। जब ये दूध के पीक के ऊपर थी ना 20+, तो उस टाइम इस पे 11 लाख रुपए लगे थे और सेकंड में भी इसको 11.5 लाख रुपए लगे और HLDB में दूध रिकॉर्ड कराया तो उसके बाद वहाँ पे 17.5 लाख रुपए लगे। और अपना ये धनोला मेले में भी वहाँ पे भी 10 लाख से स्टार्ट हुए थे और 15 लाख तक रेट लगा जी। तो अब मतलब इसको सेल करने की नहीं सोची? नहीं नहीं, वैसे सेल करनी होती है पहले ब्यांत में सेल कर लेते हैं। हाँ जी, जी। अब इसको पहले ब्यांत में भी कटड़ी थी और सेकंड में भी इसने कटड़ी दी और आगे तीसरी बार बच्चा देगी। पहले ब्यांत की इसकी बेटी भी आई हुई है। अच्छा जी। हाँ जी। तो अगर बात करें कितनी कीमत की होगी ये अनमोल? इसके लिए भाई साहब पशु के ऊपर कोई MRP नहीं लिखा होता। अच्छा जी। वो नजर का परख का। हाँ जी, प्राइज पशु की क्वालिटी पे, उसकी दूध के ऊपर है। बहुत से पशु ऐसे हैं दूध में अच्छे हैं, काफी बढ़िया, इसे भी हैवी दूध में है लेकिन वो ब्यूटी में नहीं है। और बहुत से ऐसे पशु हैं जो ब्यूटी में है लेकिन उनके नीचे दूध नहीं है जी। तो एक ब्यूटी प्लस मिल्क दोनों का कॉम्बिनेशन क्वालिटी यहाँ पे है। तो कितने कंपटीशन में आप इसको अनमोल को ले जा चुके हो जी?
ये अभी 5 कंपटीशन हम गई है जिसमें 4 में ऑलरेडी चैंपियन बनी है। अच्छा, और एक को तो हम कंपटीशन ही बोलेंगे सर। अच्छा, हाँ जी, अभी पिछले हफ्ते रोहतक में था KDFA मेला, वहाँ पे साजिश रच के जोटी, तो वहाँ पे जजों ने 2 राउंड लिए तो फर्स्ट ही बोला था, लेकिन वहाँ पर वही बात है ना, उन्हीं की कमेटी के पशु, और वो पशु अपना BFA में आए हुए थे, उनको बीट करके जो टी चैंपियन बनी है, जो मटलोडा में चैंपियन बने, उस रोहतक में चैंपियन बने हैं। तो जैसे जो वीडियो देख रहे हैं जी, वो ये भी जानना चाहेंगे कि अनमोल की क्या कुछ खुराक है, कितना क्या कुछ इसकी टाइमिंग रहती है, किस तरह से आप देख रहे किसकी करते हैं? सर अब तो इसका डाइट घटाई हुई है, 8 से 10 kg दाने दे रहे हैं। अच्छा, पहले 4 महीने में तक इसको ले रही थी 18 kg तक दाना। अच्छा, हाँ जी, पिक पे लेती है 18-20 kg दाना, जब दूध के पिक पे होती है तो। हाँ, तो सिर्फ दाना दाना देते हो या कुछ और फ्रूट वगैरह या कुछ और भी? नहीं, फ्रूट वगैरह तो नहीं है, इतना घास का और दाने का ही पशु है, ये ड्राई फ्रूट वगैरह तो बकवास है, टोटल ऐसा कुछ नहीं है, पशु तो जो है दाने का और चारे का ही बना है। तो 24 घंटे मतलब इसकी देख रेख से आप ही करते हो? नहीं, बस घर वाले, मैं तो घर सोने के लिए आता हूँ भाई साहब, आपको पता ही है मेरा तो शॉप का ही काम है, सुबह 6 से रात को 9-10 बजे जाता हूँ जी। जी, तो जैसे ये पशु रखने का और इस तरह की क्वालिटी, लेकिन एक शौक है बस, एक शौक के तौर पर काम कर रहे हैं। वो कहाँ से कब आपके अंदर पैदा हुआ कि इस तरह की क्वालिटी के मैंने पशु रखने हैं? इस तरह पशु तो शुरू से दादाजी पिताजी अच्छी क्वालिटी के रख रहे हैं, शुरू से ही अच्छे दूध वाले पशु रखने का शौक है। अच्छा जी, लेकिन वैसे अपन जैसे ना हॉस्पिटल की जो अपनी सप्लाई आती है ना, सीमन वगैरह स्टार्ट हुए थे तब से अपन सीमन का यूज कर रहे हैं, अपना HLDB सीमन जिसको बोल देते हैं, हिसार यूनिवर्सिटी के जो सीमन है। अच्छा, मतलब ये लगा सकते हैं 15-20 साल से, तो अपन लगातार ही सीमन का यूज कर रहे हैं। और 2013 में मैंने अपनी डायरी की थी, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह जो अपनी शॉप है। अच्छा, तो उसके बाद 2013 में फिर विचार बनाया भाई कुछ पशु अच्छे मिल के अपने खुद के भी सिलेक्ट करें। 2013 में आपके? हाँ जी, हाँ जी, तो उसके बाद 2016 तक मैंने सिलेक्शन 20 kg पशु की, प्लस के पशु थे मेरे पास 20 से 26.5 kg तक, तो उनसे अपने ब्रीडिंग स्टार्ट की थी। कुछ पशु घर के भी थे अच्छे अपने, जैसे अपनी होम ब्रीड चली आ रही है तो उन पे मैंने किया था, और आज टोटल ही ब्रीड अपने पास 25 kg प्लस खड़ी है, इसके अलावा भी घर पे। जी सर जी, तो जैसे मेले में लेके जाते हो जी, किस तरह की बात चलती है अनमोल को लेकर आप भी, और तरह जो पशु और भी आते हैं उनको देखकर? मेले में तो ये बच्चा नया पशुपालक आते हैं, जो विजिट के लिए आते हैं, नए बच्चे आते हैं यंग, तो उनमें थोड़ा सा पशुपालन के लिए उत्साह बढ़ता है, अच्छा पशु देख के ब्रीड की पहचान होती है। हाँ जी, तो अच्छे सिमनों का यूज की तरफ जी, तो अच्छी ब्रीड बनाने के लिए इम्प्रूवमेंट मिलती है। हाँ जी, तो आपके बारे में बात करें तो आप जानकारी कहाँ से हासिल करते हैं, या खुद ही अपने आप सर्च करके इस तरह की जो क्वालिटी की आपने पशु? नहीं, जो पशुपालक है वो तो ब्लड में ही होता, खून में ही होता है। अच्छा, वही बात है ना जी, तो खुद ही सर्च करते हो आप, खुद ही वो करते? अब तो इस चीज में काफी गहराई में, हम तो अब तो इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं सर। अच्छा, स्टडी कर? हाँ। तो अब कितने पशु रख रहे हो जी आप? अभी 10-12 पशु है, छोटे बड़े पशु कम कर रखे हैं थोड़े, क्योंकि थोड़ा शौक वगैरह काम ज्यादा, लेकिन ये शौक के तौर पे ही है, लेकिन छूट नहीं रहा। अच्छा जी, हाँ जी, प्रोफेशनल कुछ नहीं है इसके अंदर अब मेरा जी। तो अब तो जैसे अनमोल पंजाब में गई है जी, इसके बाद नेक्स्ट कहाँ का इसका? नेक्स्ट अपना लोकली ही है कुरुक्षेत्र, वहाँ की तैयारी है, नेक्स्ट 10-11-12 जनवरी का है। हर कंपटीशन में लेके जाते हैं अनमोल को? बस हर में तो नहीं है सर, पिछले साल कोई कंपटीशन नहीं लड़ाया, बस मूड की टाइम वक्त की बात है जी। तो जी, इसके जैसे अनमोल के 1-2 बच्चे भी जैसे कटड़िया वगैरह थे वो जी, वो कुछ आपने सेल किए हैं? नहीं, इसका कुछ नहीं सेल किया सर। अच्छा, हाँ जी, तो कीमत इसकी वगरे? पहले भी आंत की कटड़ी दूध के दांतों में मिल्क थी, इसमें डिलीवरी की थी और 18.5 plus दूध क्रॉस किया था, और कटड़ी अब भी 7.5 महीने के आसपास ब्याई हुई है और 5 महीने की प्रेग्नेंट है नेक्स्ट, और आज भी कटड़ी 2 दांत है मुँह से, और आज भी लगभग 13 kg दूध दे रही है। ऐसा नहीं है कि माँ के अंदर ही दूध है, आगे जो इसने जीन्स दिए ना, अपने बच्चे दिए हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी दूध में माँ को क्रॉस भी कर सकते हैं, हड़के नहीं रहेंगे जी। तो संजीव जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, मतलब जो पशुपालक हैं, काफी पशु वो भी पालते हैं, क्या कुछ आप उनको मतलब कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल भाई साहब, मैं तो ये कहूँगा भाई साहब, आप 10 रखने वाले आप 6 पशु रखो और 6 वाले 4 रखो, लेकिन अच्छे दूध के रखो, कम से कम 16 से
18 केजी के पशु, मार्जिन भी अच्छा मिलेगा और ब्रीड भी सुधरेगी जी। हाँ जी वही बात है, 8-10-12 केजी वाले तो वही बात, आज की डेट में खर्चा इतना ज़्यादा हो गया कि वो बात बराबर हो गई है, आप मार्जिन नहीं ले सकते। तो जैसे इतने पशु आप रख रहे हो तो मिल्क वगैरह का काम करते हो, सप्लाई फिर कैथली रहती है कैसे? नहीं मेरी शॉप की सप्लाई रहती है, शॉप की होम डिलीवरी नहीं करते जी। जी धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ जो अनमोल के मालिक हैं संजीव जी, जो आपको बता दें कि किस तरह से अनमोल की देखरेख करते हैं, और आपको बता दें कि लगातार हर कंपटीशन में अनमोल हिस्सा लेती है, और जैसे चैंपियन ने ये 4 बार अनमोल बन चुकी है, और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से अनमोल वाक्य में अनमोल जो काम कर रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।